नमस्कार विद्यार्थियों, आपके सामने आज महत्वपूर्ण टॉपिक है माई नदी अपतंत्र, जो राजस्थान पुलिस एसएससी पटवारी वगैरह काव्य में आते हैं। तो देखो, माई नदी है, माई नदी का सबसे पहले ये राजस्थान है, माई नदी के उपनाम, पहले सबसे पहले समझो माई नदी के उपनाम। तो माई नदी को किस किस नामों से जाना जाता है? तो राजस्थान के दक्षिण भाग में बहने के कारण किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है। दूसरी बात, इस क्षेत्र को काटल के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम हो गया काटल की गंगा। तो इसका नाम दूसरा क्या, काटल की गंगा। इसी प्रकार यहाँ आदिवासी बाहुल्य होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आदि वासियों की गंगा। तो क्या नाम हो गए? दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा काटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसी प्रकार ये नदी है, इस नदी का जो उद्गम होता है वो मुख्य रूप से, अतः यहाँ लिखता हूँ उद्गम, इस नदी का उद्गम यहां एक पर्वत है, ये पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल श्रेणी, अतः यह विंध्याचल श्रेणी है, इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल श्रेणी, ये है विंध्याचल श्रेणी है, ये विंध्याचल श्रेणी से यहां से ये नदी निकलकर और ये सीधी आती है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई डूंगरपुर, डूंगरपुर से फिर बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से सीधी नदी ये चली जाती है आपकी गुजरात, गुजरात से चली जाती है खंबा की खाड़ी में। अतः ये नदी इस प्रकार बहती हुई और ये अपना अपना तंत्र इस प्रकार बनाती है, दयू बहती है। और ये आपकी जो गिरती है खंबा की खाड़ी में, और ये खंबा की खाड़ी में गिरती है, अतः खंबा में गिरती है, ये अपना पानी जो झालती है मुख्य रूप से यहाँ लिख देता हूँ खंबा की है, विंध्याचल एक पर्वत है वहां से निकलती है और मुख्य रूप से जो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में धार जिला है, कहाँ से निकलती है? धार जिला, धार जिले में एक पहाड़ का नाम है धार जिला, उसमें अमरोरू पहाड़ी है, अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है, अमरोरू की फाड़ियों से निकलकर ये नदी जो अमरोरू है वो अमरोरू के जस्ट पास में एक फुटेल एरिया है, इसका जो तलेटी है उस तलेटी में एक झील है, उसका नाम है मेहद झील से निकलकर और ये निकलकर फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से खंबा की खाड़ी में चली जाती है। देखो कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत जो एमपी में स्थित है, एमपी में है धार जिला, धार जिले में अमरोरू की पहाड़ियां, अमरेलू को पहाड़ियों से मेघ झील से नदी निकलती है और ये नदी निकलकर और यहाँ प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो देखो इसका उद्गम तो पहले तो यहाँ उद्गम हो गया, उद्गम कहाँ हुआ, वो है उद्गम आपकी मेहद झील, बारीकी से पूछे तो मेहद झील है, और मेहद झील किसकी पहाड़ी के पास में है, पर्वत का नाम है अमरोरू पहाड़ी, और ये अमरोरू की पहाड़ियां कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य
मध्य प्रदेश में है, जिस मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। अब ये नदी निकलकर काफी बार क्वेश्चन आता है कि ये नदी है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है अर्थात कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी एक खांडू जगह है, खांडू गांव है, और वो किसमें, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में खांडू से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। तो प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। इसी प्रकार अब ये नदी है, इस नदी की जो लंबाई है, इस नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई अर्थात यहां से लेकर और खंबा की खाड़ी तक, अर्थात माही नदी की कुल लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है, 576 किलोमीटर है माही नदी की कुल लंबाई, 576 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में कितनी बहती है, तो पूछे कि क्वेश्चन, राजस्थान में माही नदी की लंबाई, माही नदी की लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर है। कितनी, 171 किलोमीटर। राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। अब यह आता है कि राजस्थान में कितनी प्रतिशत बहती है कुल अपवाह तंत्र का, कुल अपने कुल अपवाह तंत्र का 500 तंत्र का कितना थे, 28% राजस्थान में ये अपना अपवाह तंत्र बनाती है। तो देखो विद्यार्थियों, ये आपकी माही नदी थी। इस नदी का उपनाम क्या है, इस नदी के उपनाम है दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, काटल की गंगा, आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम है वो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अमरेलू की पहाड़ियां हैं। अमरेलू की पहाड़ियां जो किस किस श्रेणी की है, विंध्याचल श्रेणी की है। विंध्याचल श्रेणियों में अमरेलू की पहाड़ियां हैं। उसकी तलैटी के पास जस्ट एक झील है, उसका नाम है मेज झील। वहां झील से निकलती, वहां झील से निकल कर ये नदी और विंध्याचल से चलती हुई ये आपकी धार डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कौन से जिले से है, धार जिले से बहती है। और ये बहती हुई राजस्थान में, यहाँ खांडू है, एक खांडू स्टेशन है, खांडू गांव है, खांडू गांव, उस खांडू गांव में जो बांसवाड़ा में वहां से प्रवेश करती है। ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई, प्रतापगढ़ और सॉरी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई ये चली जाती है डूंगरपुर, डूंगरपुर से फिर बांसवाड़ा में आ जाती है। बांसवाड़ा से ये यहाँ नदी, माही एक जिला है, कौन सा जिला है, गुजरात का माही, माही जिला गुजरात में एक जिले का नाम है माही गुजरात, और इस जिले का नाम है माही जिला, गुजरात में स्थित है। और प्रवेश करती हुई ये खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। इस नदी पर है बेणेश्वरी धाम है, इस पर एक सोम नदी इधर से आती है, सोम नदी है, एक है ये नाम है जाखम नदी है, एक है सोम नदी। ये दोनों नदियां यहाँ एक त्रिवेणी बनाती है, तीन त्रिवेणी है, उसका नाम है बेणेश्वरी धाम। यहाँ लिख देता हूँ इस नदी का, बेणेश्वर धाम। माही नदी पर कौन सा बेणेश्वर धाम है, वेणेश्वर धाम है। ये किस में स्थित है, ये किस में स्थित है, डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम है। आदिवासी कुंभ का मेला कहा जाता है, यह मेला लगता है। और त्रिवेणी कहाँ बनाती है, सोम 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 माही जाखम, सोम माही जाखम। सोम नदी है उदयपुर से आती है, बिछामेड़ी पहाड़ी से। जाखम नदी आती है प्रतापगढ़ से, छोटी सादर से आती है। और माही नदी जो आपकी कहाँ से, विंध्याचल श्रेणी से। ये आदिवासी का कुंभ का मेला पड़ता है, फेमस जगह है। तो इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थी, यह थी एक आपकी माही नदी। अगले अध्याय में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।